लास्ट व्लॉग में मैंने एक कमेंट का जवाब दिया था जो कि अध्ययन ने किया था, तो उसके बाद अली का एक कमेंट आया था, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ। भाई मेरे फेवरेट दो वर्कआउट में लेग और एब्स दोनों आते हैं, मैं लेग्स करता हूँ हर हफ्ते करता हूँ चाहे जो मर्जी हो जाए। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, मुझे कल शायद जाना पड़ सकता है, तो दोपहर को मैं निकलूंगा 3-4 बजे, अगर जाना हुआ तो, नहीं जाना हुआ तब ठीक है नहीं जाएंगे। तो मुझे आज में भी पूरी रात जागना पड़ेगा काम खत्म करने के लिए, क्योंकि पहले मैंने अपनी व्लॉग एडिट करनी है, फिर रोहित की वीडियो आने वाली है तो वो भी मैंने एडिट करना है, तो एडिटिंग का बहुत लंबा काम है, 10-12 घंटे लग जाएंगे, जो कि अगर मैं नहीं सोया तो 10 बजे तक फ्री हो ही जाऊंगा होपफुली। भाई बारिश हो रही है, इतना सेक्सी मौसम हो रखा है, बाहर मैं खिड़की खोलने लगा हूं, तुम्हें दिखाता हूं, देखो बस सही रहता ना बारिश का मौसम भी। मैं आज रात भर जगने तो वाला हूँ, इतना तो है ही है, बट ट्राई करूंगा अगर टाइम मिले तो मैं सोऊंगा, क्योंकि अभी मुझे दो वीडियो एडिट करना, जो कल की व्लॉग है जो शूट करी है वो एडिट करना है, और बमोला भाई का नया कुछ तो निकला है ट्रेंड्स विद फ्रेंड्स करके, तो जब तक मैं व्लॉग डालूंगा तब तक वो भी अपलोड हो गया होगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुजफ्फरनगर जाने लगे हैं, नहा लिया मैं, तैयार होना है, मैं तैयार हो जाता हूँ, कैमरे में तैयार हो जाता हूँ, जल्दी हो जाऊंगा, कैमरे में तैयार होना बहुत इजी होता है यार, बड़ी जल्दी हो गया तैयार, मैं देखो कितना सेक्सी लग रहा तुम्हारा भाई, बाल अभी है तो गीले बट रास्ते में सूख जाएंगे, उसके बाद मैं लगाऊंगा, चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं खाते हैं। 2:45 हो चुके हैं, अब हम जाने लगे हैं मुजफ्फरनगर, 4 घंटे का रास्ता है, मेरे ख्याल 4.5 घंटे लग जाएंगे जिस हिसाब से बारिश चल रही है। हमारे कैमरामैन भी यहीं पे हैं, मुंह छुपा रखा है इन लोगों ने, तो मिलते हैं, थोड़ा बहुत बीरोल बना दूंगा कार में, मिलते हैं मुजफ्फरनगर में। तो पहुंच गए यहाँ पे मुजफ्फरनगर, नहीं मैं कॉलर देख रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है तेरा सुंदर लगने का, तो वीडियो देखने वाला ना तो दुआ दे। काटे नहीं कटते दिन रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात लोज में कहता हूँ I love you. आज मैं कहती हूँ I love you. क्या बात है, बड़ी जोरदार तालियां जी। ये और पापा गए जंगल में, तो वहाँ पता लगा कि शेर आता है, तो ये दोनों बैठ गए थोड़ी देर ना हगने को, तो पापा ने इससे पूछा विवेक तेरे को डर तो नहीं लग रहा, अरे नहीं मेरे को तो कोई डर नहीं लग रहा, खराब यहाँ पे 2 सेकंड में ब्रेक लेके एक तुम्हें क्लिप दिखाना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ पे शोर बहुत ज्यादा था तो मैं वॉइस ओवर नहीं दे पाया, बट यहाँ पे ये चीज देखो यार, तुम्हें देखनी बनती है। ये रही हमारी आंटियां नाचती हुई, ये रहे हमारे अंकल जीभ लटकाए देखते हुए, सुहाग रात है घूंघट उतारा, कोई ना पेड़ में सारा जगह खाली होगी, सारी मेहनत गई। थप्पड़ लगा एक आदमी मार रहे हो। अभी तो मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन सा अभी क्या सीन बनने वाला है, तो मैं व्लॉग यहीं एंड करने लगा हूँ, लेट नाइट हो गया,
तो आई होप तुम्हें ब्लॉग में मज़ा आया होगा। बाकी अगर तुम्हें ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले ब्लॉग में कल के दिन, जब मैं ड्राइव करके जाऊँगा चंडीगढ़ वापस। तो तब तक के लिए बाय बाय और सबको प्यार बांटना।